नमस्कार साथियों साथियों आप लोगों को तो पता होगा कि कानपुर की प्रिंसिपल जिनका नाम है डॉक्टर आरती लाल चंदानी, जो काफी सुर्खियों में है और सुर्खियों में क्यों ना रहे, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन में बड़ी खुल के कह दिया कि ये जो जमाती हैं, ये जो मुसलमान हैं, ये तबलीगी हैं। ये जब क्वारंटाइन होके इनके हॉस्पिटल में आए थे तो इन्होंने कुछ मीडिया को इंटरव्यू दिया और ये भूल गई कि कैमरे ऑन थे और उस वक्त कुछ पत्रकारों ने स्टिंग ले लिया और उसके बाद उस स्टिंग ऑपरेशन में ये लालचंदानी मैडम ये कह रही हैं कि ऐसे मुसलमानों को छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी शब्दों का इस्तेमाल किया कि हम 100 करोड़ हैं और ये 20 करोड़ है, ऐसे 20 करोड़ों को छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। ये टेररिस्ट हैं और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और खाना पीना ये सब लगा रहे हैं, अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने डॉक्टरों को बीमार कर रहे हैं, इनके लिए अपना खाना खत्म करा रहे हैं। अपीजमेंट है इनको भर्ती करना, इंजेक्शन लगवा देंगे एक एक करके धीरे धीरे। यही तो जेल में डालना चाहिए। आप यहाँ लाके इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद कर, मैनपावर बर्बाद कर, किट बर्बाद कर, सपोर्ट नहीं कर, दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है। अब आप सोचिए जिनको आपको दे डंडे जेल में डाल के एकदम क्या बोलते हैं आइसोलेशन, वहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना चाहिए। आप आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हो, आइसोलेशन में भी अलग रखा जाता है पर खातिरदारी के साथ। नहीं, जमात के मुकदमे का दर्ज हुए ना, होता है जहाँ पे जमातियों के मुकदमे बहुत दर्ज हुए ना, ऐसे हुए जमाती के लिए। ये जमाती के लिए कोई भी हमारे मैन पावर रिसोर्सेज स्टेट का गवर्नमेंट का नहीं यूज होगा। बस हम बता दें, इनको 2 मिनट में दौड़ा दें। मैंने कहा खातिरदारी छोड़िए, आप ये 22 लोगों को लेके जंगल में डाल दीजिए, बंद कर दीजिए जंगल में, काल कोठरी में बंद करिए, यहाँ ला रहे हैं। तो बहुत बोले आप कैसे कह सकती हैं ये कोई सुन लेगा कोई ये वो, मुझे बहुत ज्यादा दबाया गया और अभी भी हम खुल के थोड़ी ना बोल सकते। डिमांड करिए कि इनको अलग से आप लोग कह सकते हैं, आप मीडिया में मैडम ये काम करिए ना, किसी से कहलवा सकते हैं कि ये तो अपीजमेंट कर रहे हैं आप मरीजों का, और एट द कॉस्ट ऑफ बाकी लोग, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ वर्क, एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट मनी, एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक, पब्लिक को आप 100 करोड़ पब्लिक सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये 1 करोड़ लोग के लिए, 20 करोड़ लोग के लिए जिनका इंटेंशन कुछ और ही है, 100 करोड़ है, 30 करोड़ ये, और जिनका इंटेंशन ही। डॉक्टर आरती लाल चंदानी से ये सवाल करना चाहता हूँ, आप पूर्व IMA की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, और क्या आप जब डॉक्टर बनी थी तो आपने ये शपथ ली थी कि मैं सिर्फ हिंदुओं का इलाज करूंगी, नॉन मुस्लिमों का इलाज करूंगी? नहीं, डॉक्टरों को समाज में भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान की तरह पूजा जाता है। अब मतलब इसका मतलब यह है कि आप जो स्टेटमेंट दे रही हैं, आपके हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट आता है तो आप इसी तरह से जबरन तरीके से डराकर उसका इलाज की जगह उसे मारने का प्रयत्न करेंगी? ऐसे एक पत्रकार ने जब आपको पूछा मैडम इन्हें इंजेक्शन देके मार क्यों नहीं देते, तो आपने उनकी हां में हां मिलाई और कहा इनके साथ वही सलूक भी करना चाहिए। आप जो ओहदे पर बैठी हैं और जो आप ओहदे पे थी वो हिंदुस्तान की देन है, और आपके पति भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, और आपके हमें पता है कि आपके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं, हमें पता है हेल्थ मिनिस्ट्री लेके कहीं ना कहीं भारत सरकार तक आपके अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि भारत सरकार ने आपको कहा कि इस तरह का स्टेटमेंट दे क्या वाहवाही लूटे। खैर, ये तो एक आम बात हो गई है मुसलमानों को आरोपी बनाना और बनाने के बाद अपनी वाहवाही लूटना। कुछ लोगों को अगर MP MLA का टिकट चाहिए होता है तो मुसलमानों को गालियां दे देते हैं, जिहादी बता देते हैं, आतंकवादी बता देते हैं, ना कोई तफ्तीश करते हैं। तो मेरी आज सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर UAPA एक्ट लगाया जाए। UAPA एक्ट आप भली भांति जानते होंगे, जिस तरह से आपने बहुत स्टूडेंट्स और समाज सेवकों के ऊपर हाल ही में लगाया है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट,
जिसका नाम है, और दूसरा नाम है एनएसए एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो एक्ट डॉक्टर कफिल के ऊपर लगा है। तो मैं अगर आपसे एक सवाल करूं कि डॉक्टर कफिल भी डॉक्टर है और डॉक्टर आरती लाल चंदानी भी डॉक्टर है, तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई और अलग अलग क्यों, इनके ऊपर कानपुर पुलिस ने अभी तक शिकंजा क्यों नहीं जड़ा, कानपुर कमिश्नर से हमारा सवाल है, इन्हें यूएपीए के तहत, एनएससी के तहत, इन्हें एनएसए के तहत अरेस्ट किया जाए, इनकी इनका लाइसेंस प्रैक्टिस का रद्द किया जाए और इनकी डिग्री तुरंत हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा इन्हें सस्पेंड किया जाए, इनकी डिग्री भी सस्पेंड की जाए, कहीं ना कहीं इन्हें प्रैक्टिस करने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग समाज में इतनी बुरी तरह जहर फैला रहे हैं, आप भगवान का दूसरा दर्जा कहे जाते हैं, आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि हिंदू मुसलमान का जहर अब आप लोगों में भी कूट कूट के भर गया, जो आप चंद फुटेज बटोरने के लिए मीडिया के सामने बड़ी उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते हो। लेकिन अब ये होगा कि हो सकता है आने वाली कानपुर की राज्यसभा की सीट आपके नाम हो जाए, और ये भी हो सकता है कि हाल ही में आप बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर ले, क्योंकि इसके पीछे आपकी क्या मंशा थी और क्या आपकी चाल थी वो तो वक्त भली भांति आपको बता देगा। और हम सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर जिस तरह से मुंह उल्टे सीधे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, कभी आतंकवादी, कभी जिहादी, कभी टोपी वाड़े मुल्ला, उल्टे सीधे, ऐसे लोगों के खिलाफ इस देश में कोई जगह नहीं जो समाज को, धर्म को राजकारण में जोड़ने की कोशिश करेगा। और अपनी चंद छोटी सोच वाले लोग, चंद ऐसी छोटी वाहवाही लूटने के लिए एक धर्म को टारगेट करेंगे, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कानपुर पुलिस से आग्रह है, मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह है, इनके ऊपर यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए, एनएसए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए और इन्हें तुरंत अरेस्ट किया जाए, इनकी डिग्री तुरंत आनन फानन में लाइसेंस कैंसिल किया जाए और इन्हें अब घर पे बिठाया जाए, इनका आराम करने का वक्त है। जब इनके इन्हें ये पता चला, ये वीडियो वायरल हो गया, उसके बाद ये बड़ी प्यार से माफी मांग रही हैं, कभी मौलाना साहब को लेके, किसी मौलाना साहब के साथ बैठ के वो इंटरव्यू दे रही हैं कि मैं माफी चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुसलमान बहुत अच्छे लोग हैं। मारे कोसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया, इस कम्युनिटी से तो मेरा खास प्यार है, ये मेरे कई बच्चे हैं मुस्लिम, मेरे सगे ये भाई बहन हैं मुस्लिम, मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनके लिए मैं जान देने को तैयार थी हमेशा, और हमारे इतने मरीज हैं जिनको मैं स्पेशली आउट ऑफ क्यू इनको देख के इनको दवाई, इनको हर चीज़ प्रोवाइड करती, क्योंकि इनकी फ्लाइट थोड़ी ज़्यादा ख़राब होती है तो मैं इनको देती हूँ बजाय दूसरे किसी को, ये मेरे सगे संबंधी की तरह से हैं। मैडम हम जानते हैं ये आपसे करवाया गया या करा गया, ये साजिश थी या चाल थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस, कानपुर पुलिस, इनका तुरंत अरेस्ट वारंट जारी किया जाए, साथ ही साथ हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनका प्रैक्टिसिंग लाइसेंस रद्द किया जाए, ये हमारी मांग है। इस देश में चाहे वो कोई भी समाज और धर्म से ताल्लुक रखता हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, उन्हें कदापि ऐसे हेटरेड स्टेटमेंट, हेटरेड स्पीचेस देंगे तो उन्हें सलाखों के पीछे जाना होगा, क्योंकि ये देश अब जागरूक हो गया है और देश अखंड भारत है। जय हिंद, जय भारत। आवाज़।